नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको पुष्प निवेदन विधि यानी कि गंध पुष्प किस प्रकार से निवेदन किए जाएंगे वो जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो गंध पुष्प जब भी आप निवेदन करेंगे, गंध पुष्प या फिर शू पुष्प कहा जाती है, यानी कि मूल रूप से पुष्प निवेदन, हम गंध के बाद यानी कि चंदन के बाद जो पुष्प निवेदन हम करेंगे देवी देवता को, वही जो है इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसे शू पुष्प भी कहा जाता है या फिर जो है गंध पुष्प। शू पुष्प मतलब जो है कीड़े मकोड़े ये सब कुछ नहीं होने चाहिए पुष्प में, और जो है पुष्प अवश्य रूप से जो है चंदन चर्चित होना चाहिए यानी कि गंध चर्चित होना चाहिए। तो ऐसे ही एक छोटा सा आप कटोरी में या फिर जो है एक जो थाली में जो है आप पुष्प रख लीजिए और उसे चंदन मिश्रित कर लीजिए, और उसके बाद विधिवत नियम के अनुसार हम कहेंगे ओम एतश्वैवं गंध पुष्पाय नमः, ओम एतश्वैवं गंध पुष्पाय नमः, ओम एतश्वैवं गंध पुष्पाय नमः, या फिर आप बोल सकते हैं ओम एतश्वैवं शुपुष्पाय नमः, ओम एतश्वैवं शुपुष्पाय नमः, ओम एतश्वैवं शुपुष्पाय नमः, एत गंध पुष्पे, एत गंध पुष्पे शुपुष्पाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा देव्ये नमः, या फिर जो है जो भी देवी देवता के आप पूजन करेंगे उसके नाम जो है एतद संप्रदानाय अमुक देवी देव्ये नमः। इस प्रकार से जो है हम देने के बाद जो है अब हम जो है या तो स्पर्श करते हुए या फिर जो है हम हाथ जोड़ते हुए कहेंगे ओं पुष्पं मनोरमं दिव्यं सुगंधि देव निर्मितं गृहाण गंध पुष्पं तं मया भक्ता निवेदितं। ओं पुष्पं मनोरमं दिव्यं सुगंधि देव निर्मितं गृहाण गंध पुष्पं तं मया भक्ता निवेदितं। एतद शचंदन पुष्पम या फिर जो है एष भी कहा जाता है, एतद भी कहा जाता है, एष बोल सकते हैं आप, मैं ज़्यादातर जो है एष ही बोलता हूँ। एष शचंदन पुष्प, एष शचंदन पुष्प श्री भगवती दुर्गा देव्य नमः, या फिर जो है अमुक देवी दिव्यय नमः, ये बोलते हुए जो है आप इस प्रकार से पुष्प जो है हाँ प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है हमें पुष्प निवेदन करना है। तो सबसे पहले एतश्वैवं शुपुष्पाय नमः ये बोलते हुए जल का प्रोक्षण करिए, उसके बाद गंध पुष्प से पुष्प का पूजन करिए, उसके बाद एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय जो भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं उनके। अब उसके बाद बोलना है ओं पुष्पं मनोरमं दिव्यं सुगंधि देव निर्मितं गृहाण गंध पुष्पं तं मया भक्ता निवेदितं। एषा शचंदन पुष्पम अमुक देवी देव्ये नमः, या फिर मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि एष गंध पुष्पम श्री श्री भगवती दुर्गा देव्ये नमः, या फिर आप बोल सकते हैं जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं एष गंध पुष्पम, ये तद भी कहा जाता है, एष भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये कई समय जो है कन्फ्यूशन होता है, असल में क्या होता है एतद शू पुष्पम कहा जाता है और जब हम गंध पुष्प बोलते हैं तो उसमें एष ही बोला जाता है, मैं गंध पुष्प ही बोलता हूँ तो उसमें जो है एष शब्द का ही मैं प्रयोग करता हूँ। तो इसलिए जो है आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर गंध पुष्प बोल रहे हैं तो उसमें एष बोलना ही सही होता है दोस्तों, और शू पुष्पम बोल रहे हैं तो उसमें एतद हम बोल सकते हैं। तो गंध पुष्प या फिर जो है सुपुष्पम अमुक देवी दिव्य निवेदयामि कहते हुए जो है इस प्रकार से पुष्प जो है आपको निवेदन कर देना है। ये हो जाता है पुष्प निवेदन विधि यानी कि गंध पुष्प, गंध के बाद चंदन आदि के बाद पुष्प निवेदन विधि जो है वो ये होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको पुष्प निवेदन करना है हर पूजा में जो है इसी विधि के साथ जो है आपको पुष्प निवेदन करना है, चाहे आप पंचोपचार करें, दशोपचार, षोडशोपचार आदि कोई भी उपचार हो उसमें पुष्प निवेदन इसी प्रकार से किए जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को पुष्प निवेदन की विधि जो है वो समझ में आ गया है, और हमारा ये जो सीरीज चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।